तो दोस्तों, अगर आप भी ऑल्टो के प्राइस रेंज में एक ऐसी मिड रेंज की गाड़ी को सर्च कर रहे हैं तो फाइनली यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे रेनॉल्ट की तरफ से भी कुछ गाड़ी ऐसे रिलीज़ की गई हैं जो कि ऑल्टो के ही सिमिलर प्राइस में देखने को मिलती है। तो मैं बात करने वाला हूँ इसी रेनॉल्ट के जो है गाड़ी के बारे में। और आपको पता है जो यहाँ पे 5 लाख का जो बजट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ना एक बेस बजट होता है। एंट्री लेवल की कार आपको उसमें मिल सकती है, चाहे मारुति में जाएंगे चाहे रेनॉल्ट में जाएंगे, तो आपको दोनों में ही यहाँ पे मिनिमम बजट जो है यहाँ पे एंट्री सेगमेंट की गाड़ी को जो है यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवाया गया है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं पहले इंटीरियर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, देन उसके बाद एक्सटीरियर के बारे में जो है डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करूँ मैं जो है सबसे पहले तो रेनॉल्ट के बारे में, या फिर कहें 5 लाख की रेंज की, ठीक है। तो 5 लाख की रेंज में आपको मारुति में भी गाड़ी देखने को मिलती है और रेनॉल्ट में भी देखने को मिलती है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं फ़र्क तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ कुछ जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर फीचर्स का फ़र्क देखने को मिल जाएगा, जिससे रेनॉल्ट की गाड़ियों में आपको कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स भी मिल सकते हैं। मारुति की गाड़ी में आपको पता है क्लस्टर वगैरह कुछ पुराना सा दिया गया है, लेकिन रेनॉल्ट में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर के वेरियंट में जाते रहेंगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ता रहेगा, और 4,70,000 रुपये के आसपास जो है इसका एक्स शोरूम प्राइस है रेनॉल्ट की जो है क्विड है। तो क्विड की जैसे जैसे आप यहाँ पे वेरिएंट को आप इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ता जाएगा, और एक्स शोरूम प्राइस जो यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी जो जो जिस वेरिएंट में जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस वेरिएंट है जिसको एंट्री लेवल की गाड़ी कहते हैं, उसका जो बेस वेरिएंट का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो लगभग आपको 4,70,000 के आसपास मिलता है। तो भाई ऑन रोड आपको आते आते 5.5 लाख या फिर 5,60,000-70,000 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन भाई उसके इंटीरियर में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है एक टॉप मॉडल की अगर मैं बात करूँ और एक लो वेरिएंट की मैं बात करूँ तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। वेल बाद में आफ्टर मार्केट भी आप बहुत चीज़ें उसमें चेकआउट करवा सकते हैं, मतलब देख के कि हाँ भाई कौन सी चीज़ लगाने लायक है कौन सी चीज़ लगाने लायक नहीं है, वारंटी को देखते हुए आप जो जो चाहें उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये कुछ इंटीरियर आपको रेनॉल्ट का देखने को मिलता है, ये आपको भाई इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। बाकी ये देख सकते हैं कुछ जो टॉप मॉडल है उसका आप ये कुछ तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मारुति की ही सेगमेंट में अगर आप ऐसी गाड़ियों को देखने की सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटीरियर देखने को मिल जाता है। भाई इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं ना चेंज टाइप का किया हुआ है, ठीक है। ड्यूल एयरबैग के साथ मिलता है, और यहाँ पे आपको इस साइड में जो है पैसेंजर साइड में आपको जो एयरबैग मिलता है इसमें क्विड भी लिखा देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बात करें स्टीयरिंग की तो स्टीयरिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। भाई क्लस्टर इसका यहाँ पे बिल्कुल ही आपको यहाँ पे डिजिटल मिलता है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है कि डिजिटल ही आपको ये क्लस्टर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर के बारे में। तो एक्सटीरियर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्सटीरियर जो है कुछ ये देख सकते हैं इस तरीके से एक्सटीरियर इसका देखने को मिलता है। यहाँ पे बिल्कुल चेंजेस एक्सटीरियर में, मतलब यहाँ पे कलर अपने अकॉर्डिंग आप कलर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका एक्सटीरियर आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्रंट साइड की मैं बात करूँ तो फ्रंट साइड आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है। कुछ वेरिएंट में आपको फॉग लैंप प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, कुछ वेरिएंट में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल जाएगी, मिडिल में आपको क्विट की जो है यहाँ पे जो है बैजिंग मिल जाएगी, ठीक है। और ORVM आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का मिलता है, जो टॉप वेरिएंट आते हैं उसमें आपको डोर कलर भी जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी देख सकते हैं कुछ क्विट का कुछ इस तरीके से इंटीरियर है, ठीक है। बाकी भाई आफ्टर मार्केट आप चाहें तो अलॉय व्हील वगैरह भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी ये देख सकते हैं कई सारी जो है चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो क्विट भी एक प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी सेगमेंट की गाड़ी है, तो यहाँ पर क्विट और ऑल्टो दोनों ही कह सकते हैं ना सिमिलर प्राइस में आती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सिलेक्ट लगता है कि हाँ भाई उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।